अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, खर्चे तकसीम करना। ओके तो कल हमने पढ़ा था ग्रॉस रिसीट, एक ऐसी रिसीट होती है जिस तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस, जिसे सेल कहते हैं। ग्रॉस रिसीट रिसीट विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे माइनस किए बगैर जो रिसीट होती है, डेट इज कॉल्ड एज ग्रॉस रिसीट। अच्छा, एक तो वो खर्चा था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो खर्चा जिस हेड का होगा उस हेड में से माइनस करेंगे, और एक वो खर्चा था जिसके बारे में हमने पढ़ा था कॉमन है और वो अपोर्शन करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप पढ़ें, कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शन या कॉमन अलाउंसेस मींस एनी खर्चा डेट इज नॉट क्लियरली पता, जो क्लियरली एलोकेट नहीं हो रहा टू एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम। जो खर्चा किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम में से माइनस नहीं हो पा रहा उसको कौन सा खर्चा कहेंगे? कॉमन खर्चा। जैसे कल के मिसाल में एडवर्टाइजमेंट वाजे कहीं से माइनस नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया था कॉमन खर्चा। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं? आ खर्चा, कॉमन खर्चा इज अ खर्चा डेट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी क्लास ऑफ इनकम। ये तो बात हो गई एडवर्टाइजमेंट की। इसके बाद हमने सैलरी की बात पढ़ी थी। सैलरी के बारे में ये लिखा हुआ था, आ खर्चा शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम डैट क्लास। जी मोहतरम, ब्राइटनेस कम हो गई है। ओके, तो पॉइंट टू में देखें क्या लिखा हुआ है। एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम शेल बी एलोकेटेड टू एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर अ क्लास ऑफ इनकम शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेट क्लास। और ये तो वो बात होगी। दूसरी बात, एनी कॉमन एक्सपेंडिचर, एनी इज एन एक्सपेंडिचर डेट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम। तो पॉइंट टू की मिसाल होगी सैलरीज, और कॉमन एक्सपेंडिचर की मिसाल हो गई एडवर्टाइजमेंट। नोट कर ली, इसकी मिसाल होगी सैलरीज और इसकी होगी एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू की मिसाल होगी सैलरीज और कॉमन एक्सपेंडिचर की मिसाल होगी एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट रो में आ जाओ, है जगह आने तो। ओके, अच्छा ये लाइन मैं बाद में पढ़वाता हूँ आपको। अच्छा जी, अब हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं इन दिस रूल? क्लास ऑफ इनकम, असल में हेड ऑफ इनकम एक छोटा वर्ड है, क्लास ऑफ इनकम एक बड़ा लफ्ज़ है। इन दिस रूल क्लास ऑफ इनकम, क्लास ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम आएंगी? मोहतरम आपके साथ जो भाई बैठते हैं क्लासेस वाले भाई, वो किधर हैं आज? आपके साथ जो भाई बैठते हैं ग्लासेस वाले भाई, आपके साथ जो भाई बैठते हैं, हाँ आपके साथ जो भाई बैठे होते हैं, वो किधर हैं? नहीं, नहीं आए, खड़े हो जाओ, दोस्तों की फिक्र किया करो यार, चलो बैठ जाओ। सैलरी क्लास ऑफ इनकम में क्या आते हैं? सैलरी, बिजनेस, सैलरी, बिजनेस। ये क्या बला है? इनकम फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये असल में बिजनेस में हम आने वाले दिनों में कैटेगरीज पढ़ेंगे, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन। कौन कौन सी कैटेगरीज पढ़ेंगे? स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन। बिजनेस क्या होता है? ये हमारी बलास है, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि ये क्या होता है। लेकिन इसके अलावा जो बिजनेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलें नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की हज़ारों मिसालें आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी में मिलेंगी। जैसे जनरल स्टोर है, डॉक्टर की क्लिनिक है, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हैं नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। यानी स्पेकुलेशन नहीं कर रहे। स्पेकुलेशन कोई अजीब सी चीज़ होती है जो शायद आज तक आपने कभी देखी भी ना हो।
तो जब आपका रिजल्ट मई में आ रहा है ना, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। अच्छी वाली समझ आ रही होती है, पता नहीं जेन कहाँ ले जाते हैं। पॉइंट सी, तो इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, ये भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में कौन सा होता है। होता ये बिजनेस ही है, लेकिन ये अजीब सा बिजनेस होता है। ओके, और इनकम्स कौन सी थी जी? कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी। एग्जाम्ड इनकम कौन सी है? एग्रीकल्चर इनकम। और ज़कात एग्जाम्ड इनकम तो नहीं है, ज़कात तो टोटल इनकम में से माइनस होती है, ज़कात तो इनकम है ही नहीं, ज़कात तो जेब से पैसे जाते हैं, ज़कात कैसे इनकम हो सकती है? सुबह सुबह बुलवा रहे हो। पॉइंट एच, इनकम चार्जेबल टू सेपरेट ब्लॉक, ये आपने इसकी कोई मिसाल नहीं पढ़ी हुई, और इसकी मिसाल आपको अभी जो है वो ज़बरदस्ती, अगर आपका नोट करने को दिल चाह रहा है तो कर लें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको नोट करके, क्योंकि ये मिसाल हमने आने वाले दिनों में बड़ी डिटेल से पढ़नी है। सेक्शन 37A के नाम से एक सेक्शन होगा, गेन ऑन सिक्योरिटीज़। गेन ऑन सिक्योरिटीज़ को सेपरेट ब्लॉक कहेंगे। हमें क्या पता सिक्योरिटीज़ क्या हैं और हमें क्या पता उसका गेन क्या है, इसलिए जो है वो इस बात को हाँ करके आगे चले जाएँ। तो ये हो गई इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक, और इनकम फ्रॉम फाइनल टैक्स रिजीम कल हमने पढ़ ली थी, बिल्कुल इसकी हमने मिसाल ली थी मोहतरम एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल इसकी एक मिसाल पढ़ी थी हमने। ओके, तो ये हैं जी डिफरेंट क्लासेस ऑफ इनकम, और ये बात तो कल हमने पढ़ी थी। व्हाइल एलोकेटिंग खर्चे, खर्चे माइनस करते हुए, द नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास मस्ट बी कंसिडर्ड। तो खर्चे माइनस करते हुए आपने नेचर और सोर्स देखनी है, यानी इसकी नेचर ऐसी है कि इसके लिए खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि इसकी सेल ज़्यादा है, और इसकी सेल कम है, इसके लिए खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो इसको हमने कम खर्चे डाले थे 1500 के, और इसको हमने 3500 के ज़्यादा खर्चे डाले थे। क्लियर? तो नेचर और क्लास ऑफ इनकम को कंसिडर करना है आपने बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, अच्छा अच्छा कल मुझे बताएं कि कितना खर्चा हमने 5000 को तोड़ के कितने हिस्से किए थे? दो, एक 1500 और एक 3500। 1500 और 3500 हमने इसके तोड़ के दो हिस्से किए थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 3500 की जगह क्या कैलकुलेशन एरर करके 3000 जवाब आ सकता है? एरर की वजह से आ सकता है? 3500 की जगह एरर की वजह से 3400 जवाब आ सकता है? 3500 की जगह एरर की वजह से 3600 जवाब आ सकते हैं? 3500 की जगह 4000 जवाब आ सकते हैं? तो अब सवाल यह है कि अगर उस फॉर्मूले में कोई एरर हो जाए, जो फॉर्मूला कल हमने लगाया था, पेपर में नहीं कह रहा मैं ये बात कर रहा हूँ, FBR को पता चल जाए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पता चल जाए कि आपने वो फॉर्मूला लगाने में क्या कर दिया है, एरर कर दिया। 3500 की जगह आपने 3400 लिख लिया है, या 3500 की जगह आपने 4000 लिख लिया है, क्योंकि 5000 को तोड़ के एक हिस्सा 3500 था, तो इस जुर्म की सज़ा क्या होगी? तो उसके बारे में लॉ मेकर कहते हैं कि भाईजान, अगर एरर 10% ऊपर की हो या 10% नीचे की हो, तो उस एरर को मैं इग्नोर कर दूंगा और मैं कहूंगा इंसान है, एरर हो ही सकती है। लेकिन अगर एरर 10% के अंदर अंदर हो, 10% के अंदर अंदर हो तो फिर एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 10% के ऊपर ऊपर हो, लिमिट क्रॉस कर जाए, फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब कैलकुलेटर पकड़े बगैर मुझे बताएं, 3500 का 10% कितना आ रहा है? 350। अच्छा, 3500 में से अगर मैं माइनस करूं 350, तो चले माइनस भी ना करें 350, 3500 और 3400 में कितना फर्क है? 100 रुपये का। क्या ये 100 रुपये का फर्क 350 के फर्क जितना है या उससे कम है? इसका मतलब है 3500 से 3400 की गलती एक्सेप्टेबल है, 3500 से 3400 की गलती एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 350 की लिमिट के अंदर अंदर गलती है। 350 की लिमिट कैसे निकाली 350 की? 3500 जरा 10%, अब दोबारा लगाएं 3500 पे 10%, 350। 350 की गलती एक्सेप्टेबल है, लेकिन मुझे बताएं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 500। जब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 500 है, तो 500 का 350 से कंपेयर करें तो ये तो बड़ी गलती है, छोटी गलती है? बड़ी गलती है। ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप 3500 को कंपेयर करें इस 3600 के साथ, तो फिर मुझे बता दें
कि 3500 में 350 की गलती एक्सेप्टेबल है, ये गलती ऊपर की तरफ हुई है, लेकिन 100 रुपए की गलती है या 350 की है? 100 रुपए की गलती है तो छोटी गलती है या छोटी मोटी? छोटी मोटी गलती है, छोटी मोटी गलती की खैर है। ओके, और ये 3500 के मुकाबले में कितना है? 4000। आप 3500 के मुकाबले में 4000 है तो ये गलती 500 रुपए की है, तो ये 500 रुपए की गलती छोटी मोटी है या मोटी मोटी है? मोटी मोटी गलती है, तो मोटी मोटी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नोट कर लें आप। कौन कौन सी गलती एक्सेप्टेबल है और कौन कौन सी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है? ये वाली दो एक्सेप्टेबल थी गलतियां क्योंकि 350 के अंदर थी, लेकिन ये वाली दो गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये वही उसका आखिरी लाइन हमने पढ़नी है, प्लस माइनस 10% जहां लिखा हुआ है। ओके बस बस जा रहे हैं आधा आधा घंटा लगा सकते हैं, देते हैं हम नोट करने में। साथ वाले का हाथ पकड़े कहें स्पीड अप गाय। बस ये अब तो इनको आधा घंटा भी दे देते, इन्होंने नोट ही करते रहने चले। ओके गाय यार जल्दी क्या करो ना, उनकी कितने थी? इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप इतना टाइम लें। चलें जी मेहरबानी, आगे चलें आप। अच्छा ये द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एलोकेट करने की बेसिस, कल किन बेसिस पे एलोकेट किया था? सेल की बेस पे किया था या अनेवा किया था? ब्लाइंडली कहते हैं अंग्रेज इसको, सेल की बेस पे किया था या ब्लाइंडली किया था? सेल की बेस पे किया था। द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ डिडक्शन, द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ अलाउंसेज शुड बी सर्टिफाइड बाय सी ए, जिसकी क्यूएम में दो अटेम्प्ट लगी हों, शुड बी सर्टिफाइड बाय सी ए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, शुड बी सर्टिफाइड बाय सी ए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे जिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा भाईजान 5000 में से 1500 आप माइनस कर रहे हैं, मैं सर्टिफिकेट ना के देता हूं सही माइनस कर रहे हैं, 5000 का 3500 माइनस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इजाजत देता हूं आप सही माइनस कर रहे हैं, बाद में 3500 की जगह इधर 4000 हुआ तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को छितर पड़ेंगे क्योंकि 10% तो क्रॉस कर गई है ना लिमिट, तो 10% के अंदर अंदर की गलती एक्सेप्टेबल है, इससे ऊपर की गलती हाँ गलता है वो। The basis for allocation of expenditure, the basis for allocation of deduction, the basis for allocation of allowances should be certified by a chartered accountant, या ज़्यादा पैसे ले रहे हो तो फिर cost and management accountant से करवा लें। This certificate shall be accepted by commissioner, हुकूमत वाले सर्टिफिकेट को मान लेंगे। हाँ एक सूरत में ये सर्टिफिकेट नहीं मान लेंगे, unless there is a वड्डी variation। वड्डी वेरिएशन कौन सी होती है? बड़ी वेरिएशन, 10% प्लस की गलती कर दी या 10% माइनस की गलती कर दी फ्रॉम एलोकेशन। एलोकेशन होनी चाहिए थी 35 और 3500 और आपने लिख दिया 4000, तो फिर ये पनिशेबल है। क्लियर? जी हाइब्रिड क्लास वाले बताएं ये सेल की फिगर कितनी आ रही है? हाइब्रिड क्लास वाले बताएं सेल की फिगर कितनी आ रही है? माइक नहीं है, हाथ के इशारे से बता दें, उंगलियों के इशारे से कितनी सेल की फिगर आ रही है?
हाँ दो हाथ उठाए हैं, 5 और 2 70, 70,000 की सेल की फिगर आ रही है। ओके अच्छा मुझे बताएं यार, इमरान खान को जानते हैं आप? जिगर है, बड़ी है आपका। अच्छा उसके साथ बंटे खेलते थे आप। इमरान खान ने कहा आपको कि यार आप ऐसा करो, आप मेरे लिए ऑरेंजेस बेचो, मैं आपको कुछ 40-50 हज़ार रुपये दे देता हूँ, आप मेरे लिए ऑरेंज बेचो। आप गए, आपने जाके छांट के अच्छे अच्छे ऑरेंज कलर के ऑरेंज ढूंढे और आपने उनको खरीद के बेच दिया। मिसाल के तौर पे 40,000 वाले ऑरेंज 70,000 के बेच दिए। आप बताएं आप ये 70,000 रुपया इमरान खान को देंगे या इसमें अपना कमीशन भी रखेंगे? कमीशन भी रखेंगे। कमीशन 70,000 में 72,000 होगा या बहुत थोड़ा होगा? बहुत थोड़ा होगा। मिसाल के तौर पे कमीशन इनकम जो तय हुई है आपकी, वो हुई है तय, मिसाल के तौर पे कमीशन आपको जो मिलना है वो मिलना है जी सेल का 2%। सेल का कितने परसेंट? कितना आ गया? 1400 रुपया। कितना आ गया जी सेल का 2%? 1400 रुपया। डन। इमरान खान की सेल कितनी है? 70,000। और इमरान खान की सेल में आपका हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपका होगा ना, कमीशन मिलेगा। आप किसको सेल कहेंगे अपनी? जो ग्रॉस रिसीट आपको हुई और आपने इमरान खान को जमा कराई 70, वो, या जो बाद में आपको कमीशन मिलेगा वो? तो मोहतरम इमरान खान के लिए तो ग्रॉस रिसीट 70,000 होगी, लेकिन आपके लिए जो 1400 होगा उसे ग्रॉस रिसीट नहीं बोला जाएगा, आपके लिए जो 1400 होगा उसे कहा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कमाया आपने, प्रॉफिट आपको इस डील के ऊपर इतना मिला है। तो एक ग्रॉस प्रॉफिट का लफ्ज़ अकाउंटिंग जिन्होंने पढ़ ली हुई है एक दफ़ा, उनको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, उसको इससे आप मिक्स ना करें, ये एक अलग बात है बिल्कुल। तो फॉर इमरान खान दी ग्रॉस रिसीट इज 70, आपने उसके लिए 70 ली है, तो आप अपनी ग्रॉस रिसीट भी 70 कह देंगे। तो जब कभी फॉर्मूले में एलोकेशन की बारी आई तो आप क्या कहेंगे? मैंने मैंने पाकिस्तान की दुकान से कितना कमाया? 3 लाख। कनाडा की दुकान से कितना कमाया? 7 लाख। और इसके अलावा मुझे इमरान खान ने कहा था तुम मेरे लिए काम करो, तो उसके लिए मैंने 70,000 नहीं कमाया, मैंने अपने लिए 1400 कमाया। अब अगर आपको कोई खर्चा एलोकेट करना पड़ा तो आप अपनी सेल क्या लेंगे, 70,000 या 1400? तो फर्ज करें एक आपकी अपनी दुकान पाकिस्तान में है, कल की तरह पाकिस्तान की दुकान की सेल कल 3 लाख थी, एक आपकी अपनी दुकान कनाडा में है उसकी सेल 7 लाख थी, लेकिन एक और एक्टिविटी आपने की, वो थी किसी के लिए एजेंट बने, कमीशन पे काम किया। अब आपकी सेल दिखने में 70,000 लग रही है, लेकिन ये आपकी सेल नहीं है। आपकी सेल या आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1400। तो व्हाट विल बी द ग्रॉस रिसीट फॉर एजेंट? असल में ये ग्रॉस रिसीट देखने में होगी, लेकिन इसे हम नाम क्या दिया करेंगे? ग्रॉस। तो इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, एजेंट इसको अपनी सेल कहेगा, क्लियर? और इसे नाम ग्रॉस प्रॉफिट दे देते हैं अलग करने के लिए। नोट कर लें, वो जो एक लाइन छोड़ दी हुई हमने बीच में, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट लफ्ज वैसे अजीब सा है, इसका नाम होना चाहिए था कमीशन इनकम। जी इसके लिए अगर आपको कोई खर्चे करने पड़े तो एलोकेट करने के लिए इस इनकम को भी ले लिया जाएगा, अगर रेयर सर्कमस्टांस में कोई खर्चे हुए। चलें जी,
वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन और नेट ब्रोकरेज. नेट मीन्स पूरे पैसे मिले उसको या नेट होके कम होके मिले. कम होके मिले. देन हिज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी टेकन एज टर्नओवर या सेल. उसका टर्नओवर या उसकी सेल क्या होगी, उसका बोलें ग्रॉस प्रॉफिट. क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस रिसीट. ग्रॉस प्रॉफिट उसकी सेल समझी जाएगी. ग्रॉस प्रॉफिट उसकी सेल समझी जाएगी. क्लियर? चलें जी. तो ये एक पॉइंट है ऐसे ही एक बीच में, इसको बस एज इट इज याद कर लीजिएगा. वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन और ब्रोकरेज देन हिज ग्रॉस प्रॉफिट. हिज ग्रॉस रिसीट नहीं, हिज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी टेकन एज अ टर्नओवर. अच्छा जी, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर. जिंदगी में कभी आपको कोई खर्चा रिकवर बैक हुआ है? रिकवर बैक मिसाल के तौर पे आपने जो है वो कॉलेज की फीस जमा करवाई और कॉलेज वालों ने बाद में देखा कि भाईजान आप तो मैट्रिक के अंदर बोर्ड में सेकंड पोजीशन होल्डर हैं, तो कॉलेज वालों ने 20,000 आपसे फीस ली और बाद में आपको 6,000 वापस कर दी. इट इज कॉल्ड एज बोलें रिकूप एक्सपेंडिचर. आपका खर्चा हुआ और बाद में आपको क्या हो गया, रिकवर हो गया. क्रिसेंट कॉलेज गॉट रिपेयर्ड एसी फॉर 7,000 इन टैक्स ईयर 2010. क्रिसेंट कॉलेज वालों ने जी 7,000 रुपए का एसी रिपेयर करवाया 2010 में. द सर्विस प्रोवाइडर रियलाइज्ड इन 2011. जो सर्विस प्रोवाइडर था जो एसी सही करने आया था, उसने 2011 में रियलाइज किया कि उसने आपसे 2,000 रुपये एक्सेस ले लिए हैं कॉलेज वालों से. इसलिए वो प्यार से वापस आया और प्यार से वापस आके आपको 2,000 रुपये वापस करके चला गया. मुझे बताएं, जब 7,000 रुपये का एसी आपने रिपेयर करवाया होगा तो खर्चे में कितना डाला होगा? 7,000. आपको गम कितना हुआ होगा? 7,000 का. और जिस वक़्त वो एसी सही हो गया, कल कला को वो बंदा पैसे लेके आया वापस, तो आपको खुशी कितने की हुई होगी? 2,000 की. तो ये जो 2,000 की खुशी है, इसमें इमरान खान का कोई हिस्सा बनता है? बिल्कुल बनता है. तो अगर आप खुश हो रहे हैं तो आप हुकूमत को टैक्स जमा करवाएं. तो इसे कहते हैं रिकूप्ड एक्सपेंडिचर. इसको इनकम में डाला जाता है. जब खर्चे को एक्सपेंस में डाला जाता है तो उसकी रिकवरी को किस में डाला जाता है? इनकम में डाला जाता है. अगर ये खर्चा आपके बिजनेस का है तो उसकी रिकवरी भी बिजनेस में ही जाएगी, क्योंकि एसी रिपेयर कराना बिजनेस का खर्चा है, तो फिर उसकी रिकवरी भी इनकम फ्रॉम. पढ़ें, इन केस ऑफ बाद में मिलना ऑफ एनी खर्चा. बाद में वापस मिल गया ना, रिकूप वापस मिल गया. इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट, बाद में रिकवर हो गया, रिकूपमेंट होता है रिकवर, बाद में रिकवर हो गया कोई खर्चा या नुकसान, नुकसान भी रिकवर हो जाता है. मिसाल के तौर पे जो है वो कोई बंदा कहते हैं मेरी जो है वो गाड़ी जो है वो चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पता है पैसे दे देते हैं. या कई दफ़ा किसी की दुकान के ऊपर सामान चोरी हो जाए तो हुकूमत पैसे दे देती है, तो लॉस भी रिकवर हो जाता है. इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी खर्चा और एनी लॉस इन कैश और काइंड. कई दफ़ा खर्चा कैश में रिकवर हो जाता है, कई दफ़ा इन काइंड रिकवर हो जाता है. क्या मतलब इन कैश और इन काइंड? कई दफ़ा अगला बंदा आपको जो है जब रिकवरी हो रही हो तो पैसे दे देता है, और कई दफ़ा पैसों की बजाय कोई चीज़ दे देता है, कोई चेयर दे दी, कोई और चीज़ दे दी. द रिकूप्ड अमाउंट. साथ वाले की तरफ देख के कहें द रिकूप्ड अमाउंट. प्यार से बोलें द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन खुशी. शैल बी इंक्लूडेड इन खुशी. चार्जेबल अंडर द
सेम हेड, जहां गम डाला था उसी हेड में खुशी आ जाएगी. चार्जेबल अंडर द सेम हेड फॉर द ईयर इन विच इट इज रिसीव, जिस साल वो पैसे रिसीव हुए. अब एक दफा पढ़ लें, डेढ़ लाइन है तकरीबन. यार ईद का दिन छुट्टी कर लें, कोई एक दो ना छुट्टी कर लें ईद के दिन. मेरे तो दिल में यही आ रहा है, थोड़ा सा ज़रा घर वालों को भी टाइम दे देंगे. क्या ख्याल है, एक दो दिन कर लें छुट्टी या ना करें? पाँच छः दिन छुट्टी क्या आप लोगों ने उधर जो है वो लुट मचानी है. अच्छा जी जी मोहतरम, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी खर्चा इन कैश और इन काइंड, द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम अंडर द सेम हेड इन द ईयर इन विच इट इज जिस साल रिसीव हुई उस साल इनकम में डाल दी जाएगी. क्लियर? की ट्रिक पढ़ लें येलो में. द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूड इनकम ऑफ फॉर दो ऑफ 2000 इन टैक्स ईयर 2011 बाय कॉलेज, चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस. किस साल ये अमाउंट दोबारा वापस मिली है? 11 में. तो 2011 में ये किस में चली जाएगी? इनकम में चली जाएगी. क्लियर? अच्छा जी अगला कॉन्सेप्ट है करेंसी कन्वर्जन. क्या है जी करेंसी कन्वर्जन? क्या ये पॉसिबल है कि हमारा इतना बड़ा लेवल हो जाए कि हम बाहर के से चीज़ें खरीद और बेच रहे हों? बहरहाल इसमें लेवल वाली क्या बात है. करेंसी कन्वर्जन, एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस लॉ शैल बी इन रुपीस. टेकन इनटू अकाउंट का क्या मतलब है? रिकॉर्डेड. हर अमाउंट जो इस लॉ में रिकॉर्ड की जाएगी वो किस में रिकॉर्ड की जाएगी? बोलें रुपीस में रिकॉर्ड की जाएगी. जो सात फल की जेब में है रुपीस में रिकॉर्ड की जाएगी. एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस लॉ शैल बी इन रुपीस. जारी सी बात है, बी 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 बड़ी बात बताई. ये तो ऑब्वियस सी बात थी, बताने की जरूरत नहीं थी. इस लॉ में सारी अमाउंट्स जो है वो किस में रिकॉर्ड की जाएंगी? रुपीस में की जाएंगी. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कर लें. मिस्टर कासिम परचेज्ड एन इंपोर्टेड कार ऑफ यूएस डॉलर 35,000 ऑन मार्च 31, 2009. मार्च 31, 2009 को उसने एक इंपोर्टेड गाड़ी खरीदी है. द एक्सचेंज रेट ऑन द रेलिवेंट डेट्स आर एज फॉलोस. गाड़ी किस दिन खरीदी है? 31 मार्च को. रेट किस दिन के दिए हुए हैं? 31 मार्च के और 30 जून के. और कितने किस्म के रेट दिए हुए हैं? दो किस्म के. नंबर वन, ओपन मार्केट में रेट कितना है, यानी बाजार में करेंसी का रेट कितना है, और स्टेट बैंक ऑफ की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल रेट कितना है. तो सबसे पहले तो बताएं 30 जून के रेट्स को हम क्या करेंगे? तो इसको इग्नोर का मतलब होता है इग्नोर करना, ये भी समझ लें, किसी को पता नहीं चलता. तो 30 जून के रेट्स को क्या कर दें, क्या करें, ट्राई करें, इग्नोर कर दें, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन 30 जून को ही है या 31 मार्च को ही है? 31 मार्च को ही है. भाई जान 31 मार्च को दो रेट अवेलेबल हैं, एक ओपन मार्केट का रेट अवेलेबल है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट अवेलेबल है. कौन सा रेट यूज़ करना पसंद करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 102 को करें. इसको ना कर दीजिएगा, ये इसको तो रहने देना. रुपीज़ 102.1. अब बता दीजिए गाड़ी कितने की पड़ी? कैलकुलेटर पकड़ें साथ वाले का. $35,000 ज़रब रुपीज़ 102.1. थ्री फाइव सेवन. तो 35,73,500 रुपये की आपको ये गाड़ी पड़ी. आप किताबों में इस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे और इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, डेप्रिशिएट भी करेंगे इसको. डेप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे, अभी कुछ लोग इंट्रो पढ़ें उनको डेप्रिसिएशन नहीं पता, तो डेप्रिसिएशन भी हम पढ़ेंगे. तो ये जी गाड़ी की कॉस्ट है जी. ओपन मार्केट ज़्यादा या कम होने इसको हमने नहीं देखना, हमने हमेशा किसका रेट देखना है? सिर्फ स्टेट बैंक का. पढ़ें पॉइंट टू. वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन
अगर पेपर में कोई ऐसी अमाउंट आ जाए जो अदर देन रुपीज हो, कन्वर्जन शेल बी एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट। कन्वर्जन किसके ऊपर करेंगे आप? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट के ऊपर। किस दिन का रेट? प्रिवेलिंग, ओह जाने दे यार, प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। किस दिन का रेट यूज करेंगे? जिस दिन वो अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट हुई। टेकन इनटू अकाउंट का क्या मतलब है? जिस दिन वो अमाउंट रिकॉर्ड हुई। ओके भाईजन, ये क्या है? मच्छी। साथ वाला कह रहे गाय, फिश। भाईजन गाय है, फिश है। अच्छा जी, तो ये जी मछली है। बशीर दारुल माही ने कहा भाईजन यार ये सारी मछलियां मेरी आके खा जाते हैं लोग, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। ओ भाईजन तुम्हें प्रॉफिट, चुप, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। तो बशीर दारुल माही वाले ने जी मछली की दुकान क्या कर दी? बंद कर दी। आप अफतारी में खाने गए मछली और आपको मछली नहीं मिली। अच्छा, अब किस साल दुकान बंद हुई? 2021 में। अच्छा, एक बंदे को 2022 में ख्वाब आया। 2022 में उसे क्या आया? ख्वाब आया। ख्वाब आने के बाद वो चारपाई से उछला और उछल के ऊपर पड़ा है। अब वो पंखे के साथ लटका पड़ा है। अब बड़ा परेशान है कि भाईजान ख्वाब में ये आया है कि तुमने इस दिन जाके 3-4 मच्छियां इकट्ठी खा ली थी, हाथ धोने के बहाने घर आ गए थे। तो अब ये सोच रहे कि मैं बशीर साहब को पैसे दे दूं, लेकिन जाके देखा इन्होंने बशीर साहब की दुकान बंद हो चुकी है। अब ये मोबाइल बंद, बिजनेस डील हो रही है करोड़ों की, बंद कर दे मोबाइल। अच्छा, अब इसने जाके सोचा कि मैं जाके बशीर साहब को पैसे दे दूं। तो बिल्कुल, अब इसने सोचा कि मैं बशीर साहब को जाके पैसे दे दूं। अब ये जो बशीर साहब को इन्होंने पैसे दिए, क्या उसी साल दिए जिस साल इन्होंने दुकान बंद कर दी, या दुकान बंद करने के बाद जाके पैसे दिए? दुकान बंद करने के बाद जाके पैसे दिए। तो इनको ख्वाब आया था कि फरिश्ते इसकी ठुकाई कर रहे हैं, तो इसने सोचा कि मैं जो है वो ठुकाई से बच जाऊं और 2022 में बशीर को जाके पैसे दे दूं। तो बशीर ने रिकवर किया बैड डेट। बशीर ने रिकवर क्या किया जी? बैड डेट। बशीर रिकवर्ड बैड डेट। बशीर रिकवर्ड वो पैसे जो बशीर के बंदा लेके भाग चुका था, वो बशीर को वापस मिल गए। आप बताएं, ये जो पैसे बशीर को वापस मिलेंगे, क्या ये उस साल मिले हैं जिस साल दुकान बंद हुई है, या दुकान बंद होने के बाद मिले हैं? तो इसको भी तो रिकूप्ड एक्सपेंडिचर ही कहेंगे ना, खर्चा ही था ना। और भाईजन जिस वक्त वो बंदा पैसे लेके भागा होगा, इस दिन जब वो बंदा पैसे लेके भागा होगा, क्या बशीर ने बोला होगा डूब गए पैसे, लुट गया मैं? कब बोला होगा बशीर ने? कहा होगा वो भाईजन डूब गया मैं, तो मेरा क्या बनेगा, खुदा अल्लाह भला करे, अल्लाह तेरा ना। तो इस किस्म के फिक्रे बशीर ने बोले होंगे। तो जब बशीर ने इस किस्म के फिक्रे बोले होंगे, तो इसका मतलब है बशीर को उस दिन गम हुआ होगा। तो जब बशीर को गम हुआ होगा, तो अब जब ये पैसे लेके आया तो बशीर को खुशी हुई। तो ये भी तो रिकूप्ड एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन इसमें और पिछले वाले सेक्शन में ये फ़र्क है कि पिछले वाले में कारोबार बंद नहीं हो रहा था, चलते चलते कारोबार में पैसे आ रहे थे, इसमें कारोबार बंद हो रहा है और बंद होने के बाद अब पैसे आ रहे हैं। तो बस ये हल्का सा फ़र्क है, ये भी रिकूप्ड एक्सपेंडिचर है और इसका ट्रीटमेंट भी वही है हमने पढ़ा था। ये पैसे बशीर की किस में डाल दिए जाएंगे? इनकम में डाल दिए जाएंगे। चलें जी, डालें इनकम में इसकी।
नोट करें, लिखें बशीर दारुल माही, किसने देखनी है घर में किताब आपकी, देख भी ली तो क्या कहना है आपको। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम हम पढ़ने लगे हैं, सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। जी टैक्स तो बाद में फिर हम पे कर रहे हैं, इस तरह कह रहे हैं कि पहले पिछले टैक्स ईयर के भी हम रीकैलकुलेट करवा सकते हैं, लेकिन इसमें यह होगा कि जिस साल वो पैसे आएंगे 2022 में उस साल इनकम में जाएंगे। हर जगह लॉ की अपनी प्रोविजन होगी और उसके अपने रूल होंगे, तो ये 2022 की बशीर की इनकम में डाल दिया जाएगा। If a taxable source of income ceases to exist, if a taxable source of income ceases to exist, then any subsequent benefit derived from it, तो बाद में जो इससे benefit आएगा shall be taxable in normal way, वो जो benefit आएगा वो normal way में taxable होगा, assuming के source बंद नहीं हुई थी जिस वक्त आपको पैसे कमाए। आपने आप पैसे किस साल कमाए, 21 में कमाए या 22 में कमाए, 22 में लेके आए ना वो पैसे, तो उस वक्त एज्यूम किया जाएगा आपकी दुकान बंद नहीं हुई थी। ये पढ़ लें इंग्लिश, ओके। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर एक ये दुकान टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम है या एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम है, टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम है ना, इस दुकान के ऊपर जो इनकम कमाता होगा इस पे वो टैक्स देता होगा। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट शैल बी टैक्सेबल इन द सब्सिक्वेंट बेनिफिट, क्या दुकान बंद होने के बाद बेनिफिट आया या पहले आया, बाद, सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट शैल बी टैक्सेबल इन द नॉर्मल, शैल बी टैक्सेबल इन द नॉर्मल वे, एज्यूमिंग के दुकान अभी तक बंद नहीं हुई। हालांकि बशीर कह रहे हैं मेरी दुकान बंद है, हम बशीर को कहेंगे भाईजान आप चुप कर जाओ, आपकी दुकान एज्यूम कर रहे हैं खुली है, अगर दुकान खुली है तो फिर इनकम पर टैक्स दो। जी इस साल और कोई इनकम नहीं होगी, लेकिन कम से कम ये वाली बैड डेट रिकवरी इनकम तो होगी ना उसकी, ये वाली, और कोई इनकम तो चलो नहीं है लेकिन ये वाली इनकम तो है ना। ओके अच्छा, अब अगली चीज ये बताएं, इसका क्या मतलब है,
इफ अ सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, ये लिखें ईयर के आगे. अच्छा आप मुझे बताएं व्हाट इज द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ मनी, व्हाट इज द रिसीट ऑफ ईयर ऑफ मनी 2022. इट इज इट्स कमेंसमेंट, इट इज इट्स कमेंसमेंट. आप पढ़ें. If a taxable source of income ceases to if source of income exists before commencement of year of receipt of money, if source of income ceases to exist before commencement of year of receipt of money, then any amount recovered shall be taxable in the normal way. तो ये इंग्लिश का फिक्रा है, अच्छे तरीके से समझना है. ये अंग्रेजी थोड़ी सी बच्चों को परेशान करती है, कॉन्सेप्चुअली ये बात बड़ी आसान है लेकिन अंग्रेजी परेशान करती है. इफ अ सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, बोलें बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर ऑफ रिसीट ऑफ मनी. ये कौन सा साल है? इट इज द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ मनी. ये इसकी कमेंसमेंट है और उससे बिफोर ही दुकान बंद हो गई है. अब जरा इंग्लिश का फिक्रा बनाएं. वेयर अ सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, वेयर अ सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू बिफोर द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ मनी. अब इसमें कमेंसमेंट लफ्ज डाल लेने, वैसे लफ्ज आसान है बड़ा. सोचे कमेंसमेंट लफ्ज निकाल के सोचें, ज्यादा आसान लगेगा. वेयर अ सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट बिफोर द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ मनी, या लॉ ने जैसे लिखा हुआ है, where a source of income ceases to exist, where a source of income ceases to exist before commencement of year of receipt of money, the amount received shall be taxable in the normal way. चलिए मैं ऊंची बोल देता हूं. The amount received shall be taxable in the, assuming the source has not bund at the time amount is derived. Clear? अच्छा एक और scenario भी तो हो सकते हैं. Is it possible? Focus, गौर से देखें. Is it possible? कि 21 में ही आप दुकान बंद करें और वो बंदा 21 में ही आपको क्या दे जाए? आप before the year या during the year? Before the year या during the year? During the year. अब अंग्रेजी का फिक्रा क्या बनेगा? Second bullet मारें, पढ़ें. Second bullet. If a source of income ceases to during the year of receipt of money, समझ आ गई? If a source of income ceases to exist during the year of receipt of money, अब ये नोट कर लें सेकंड बुलेट के लिए. वो फर्स्ट बुलेट के लिए नोट किया था, ये सेकंड बुलेट की हेडिंग देके ये नोट कर लें. पहले इंग्लिश का फिक्रा देख लें. If a source of income ceases to during the year of receipt of money, उसी साल receipt of money भी हुई और उसी साल सोर्स बंद हुई, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट सब्सिक्वेंट ही है ना, सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट शैल बी टैक्सेबल इन द नॉर्मल वे, अज्यूमिंग दैट सोर्स इज नॉट बंद एट द टाइम इनकम वॉज डिराइव. चलें जी फाइनल बता दें, याद भी कर लें. इधर ही
वेयर अ सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर ऑफ रिसीट ऑफ मनी देन सब्सिक्वेंट बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इट शेल बी टैक्सेबल इन नॉर्मल वे. Where a source of income ceases to exist during the year of receipt of money, the subsequent benefit shall be taxable in normal way. इसमें मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लगा दिया कि आखिरी दिनों में ना बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि इन दोनों बुलेट्स के अंदर डिफरेंस बताएं, तो फिर मैं बुलेट फेंकता हूँ, फिर उन्हें बुरा लगता है. यानी बुलेट फेंकने का मतलब ये है कि भाईजान आपने गौर से सुनना था. सेक्शन 73. ओके, हो दो हजार दस और 2011. ये एंट्री आप हजरात ने पढ़ी हुई है? 100 रुपए से मैं कर रहा हूं. किस किस ने ये एंट्री नहीं पढ़ी हुई? सबने पढ़ी हुई है. डेटर डेबिट सेल क्रेडिट. अगर आप किसी बंदे को उधार पे चीज बेचें तो आपके पैसे लेने का हक बढ़ जाता है. ऊपर देख ले आए हुए हैं तो आपके पैसे लेने का हक बढ़ जाता है. डेटर डेबिट और साथ आपको खुशी होती है. खुशी का मतलब सेल. तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट. अच्छा, 2011 के अंदर ये बंदा अगर पैसे दे जाए तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट. दोबारा खुशी रिकॉर्ड नहीं करेंगे? कैश डेबिट सेल क्रेडिट. दोबारा खुशी रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्या करेंगे फिर? सेल की जगह क्या क्रेडिट करेंगे? डेटर क्रेडिट करेंगे सेल की जगह. ठीक है जी. तो अब मुझे बताएं, क्या खुशी डबल रिकॉर्ड की जाएगी या सिर्फ एक ही दफा रिकॉर्ड की जाएगी? एक ही दफा रिकॉर्ड की जाएगी. सेल, एक ही चीज सेल की. दुकानदार ने बिस्किट बेचे उधार पे, बेचते हुए भी खुशी महसूस करे और पैसे आते हुए भी खुशी रिकॉर्ड करे, डबल डबल खुशियां? नहीं 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 नहीं. सेल कितनी दफा बुक हो सकती है? एक दफा. तो टैक्स भी सेल पे कितनी दफा लगेगा? एक दफा. इनकम में भी कितनी दफा ऐड होगी? एक दफा ऐड होगी. दो दफा ऐड नहीं होगी. कितनी दफा ऐड होगी? बल्कि सिर्फ एक दफा ऐड होगी. क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, अब इसको वैसे बताने की उसे जरूरत नहीं थी क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं, हमें इस चीज का पता है. लेकिन क्योंकि इस लॉ को नॉन अकाउंटेंट भी पढ़ते हैं, इसलिए उसने मुनासिब समझा कि मैं इसको यहां पर बता दूं. तो नॉन अकाउंटेंट्स जो पढ़ते हैं उसके लिए इसने बताया कि एक खुशी को जब आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो उसे दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. तो यहां पे वो कहना ये चाह रहा है कि वेयर एनी इनकम. यहां पे वो कहना ये चाह रहा है कि वेयर एनी इनकम, बोलें वेयर एनी इनकम is taxable on receivable base, it shall not be taxed again when received. Clear? अब इसको जो है वो दोबारा देखें. Where any income? ये थले आ गया. अच्छा जी, चलें. Where any income?
वेयर एनी इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीवेबल बेस इट शैल नॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन रिसीव्ड. क्लियर? तो एक इनकम अगर रिसीवेबल बेस पे सेल में डाल दी है तो दोबारा रिसीव होने पे आप इसे सेल में नहीं डालेंगे. क्लियर? ओके जी. क्योंकि उस पर टैक्स ऑलरेडी 2010 में पे कर चुके होंगे. गाय बिल्कुल बात की तह तक पहुंच गए हैं. चलें जी NOTE कर लें. हो कर लें यार. असल में ना 2010 में इस सेल में इस पर टैक्स लग जाएगा. लिखे हम इस पर टैक्स पे कर देंगे. किस साल? 10 में. जब ये किस में जाएगा? सेल में. अब जरा आखिरी दफा याद कर लें. वेयर एनी इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीवेबल बेस इट विल नॉट बी टैक्स द गेन When received. आ जाए. If any income is taxed on receivable base, if any income is taxed on, it shall not become taxable again on receipt base. Receivable base पे जब income में चलेगी तो receive होने पे दोबारा income में वाइस वर्सा की कोई मिसाल हमारे स्कोप में नहीं. इसको छोड़ें, बस एज इट इज याद कर लीजिएगा. इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. ओके. लाइक वाइज इसी तरह दो हजार दस के अंदर मोहतरम आपने जो है वो बिजली इस्तेमाल की. 2010 में आपने बिजली इस्तेमाल की लेकिन उसका बिल पे नहीं किया. क्या एंट्री करेंगे? इनकम या खर्चा बिजली ने आपको इस्तेमाल नहीं किया, आपने बिजली इस्तेमाल की. खर्चा? तो खर्चा डेबिट और आपने बिल पे नहीं किया, पेबल क्रेडिट. जब अगला साल आया तो अगले साल जाके आपने वापडा को कहा, भाईजान पिछले साल का बिजली का बिल मैंने देना है. होते आखिरी महीने का हो, पिछले साल के बिजली का बिल मैंने देना है. तो जब आपने वापडा को अगले साल जाके बिल पे किया तो आपने अपनी धुन में एंट्री कर दी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. आपने पैसे पे किए, खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट. बताइए जी, ये गड़बड़ हो गई है या सही काम हो रहा है? डबल खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं. डबल खर्चों को रिकॉर्ड होने से रोकें और इसे कहें इसकी जगह क्या डेबिट होना चाहिए था? पेबल. इसकी जगह क्या डेबिट होना चाहिए था? पेबल. आप बैठे बैठे बता दूं या खड़े होकर समझाऊं? खड़े होकर समझाऊं, शर्म नहीं आती. अच्छा जी, तो पहले इसका टच बंद करना पड़ेगा. टच यहां से बंद होगा. अब ये ठीक है, अब इसको पकड़ना पड़ेगा. इनको पहले मिटा लेते हैं. चलो आ जाओ. अच्छा, वेयर एन एक्सपेंस इज अलाउड एज खर्चा क्या डिडक्शन. वेयर एन एक्सपेंस इज अलाउड एज खर्चा. याद रखिएगा, इनकम टैक्सेबल होती है, खर्चे अलाउड होते हैं. तो वेयर एन एक्सपेंस इज अलाउड एज खर्चा ऑन पेएबल बेस
इट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अगेन. इट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अगेन व्हेन इट इज पेड. व्हेन इट इज पेड. व्हेन इट इज पेड. व्हेन इट इज पेड. दोबारा देखें. If an expenditure is deducted on payable base, it shall not be deducted when paid. चलें जी आखिरी दफा. क्या क्या है मोहतरम ये? Where an expenses deducted on payable base, it shall not be deducted when it is paid. इसे दोबारा माइनस नहीं करेंगे जब इसे क्या कर दें? पे कर दें. चलें नोट कर लें. रंग आपने यही वाले यूज करने हैं सारे. डंडी गायब हो गई है और तेरी खैर. चलें जी बैठे बैठे चलें चलें बैठे बैठे. लाइकवाइज इसी तरह इफ एनी खर्चा इज डिडक्टेबल. याद रखिएगा जो इनकम्स है ना वो टैक्सेबल होती हैं और जो खर्चे हैं वो डिडक्टेबल होते हैं. इनकम पर टैक्स लगता है खर्चे माइनस होते हैं. तो इसलिए ये अल्फाज गलत ना जिंदगी के किसी मोड़ पे ये ना कह दीजिएगा एक्सपेंडिचर इज टैक्सेबल. एक्सपेंडिचर इज नॉट टैक्सेबल. एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल. इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेस द सेम शैल नॉट बी डिडक्टेड व्हेन इट इज पेड. इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेस इट शैल नॉट बी डिडक्टेड अगेंस्ट व्हेन इट इज पेड. अच्छा जी डिविडेंड. यार डिविडेंड में मुझे ये बताएं कि डिविडेंड जो है वो जो इनकम है मुझे ये बता दें. चलें डिविडेंड इनकम क्या होती है? डिविडेंड इनकम यार ये मज का पता है आपको? मज का पता है? मज क्या देती है? मिल्क. मज क्या देती है? मिल्क. तो चलो इस तरह कर लेते हैं यार. जो भाईजान माइंड कर रहे हैं बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं दूध को फिर वाइट कर लेंगे. तो जी मज क्या देती है? जी मिल्क देती है. मज क्या देती है? मिल्क. अब ये जो मज मिल्क देती है आपको तो मुझे ये बताएं ये मिल्क आपको कब तक आता रहता है? जब तक मज आपके पास है. ठीक है
जब तक भैंस आपके पास है तब तक मिल्क आपको आता रहेगा। लेकिन अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहें, हाँ, तो अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहें तो मत चली जाती है, और जाते हुए क्या देखे जाती है, रोकड़ा या पैसे देखे जाती है, कायदे आजम के नोट देखे जाती है। तो मज से कितने किस्म के फायदे आते हैं, दो सवारी नहीं खुदा के लिए यार, हाथ धोगे वापस आ जाओ। मज से कितने किस्म के फायदे आते हैं, दो किस्म के। जब तक साथ रहती है क्या देती है, दूध देती है, जब चली जाती है तो पैसे देके जाती है। कितने किस्म के फायदे आते हैं, दो किस्म के फायदे आते हैं। अच्छा, अब अगर हैन में लूं, हैन अगर हैन लें तो हैन से कितने किस्म के फायदे आते हैं, दो किस्म के फायदे आते हैं। एक तो इससे अंडे आते हैं, और दूसरा अगर आप कहें कि मैंने इसको जो है वो नहीं चारा नहीं दाने, अगर इसको दाने मैंने नहीं डालने तो फिर इससे जान छुड़ाएंगे, हाँ इसको बेच देंगे किसी को, तो फिर क्या आएंगे आपके पास, पैसे आएंगे। तो बताएं दूध कब तक आता रहता है, जब तक भैंस हमारे साथ रहती है, और अंडे कब तक आते रहते हैं, मुर्गी जब तक मुर्गी हमारे साथ रहती है तब तक क्या आते रहते हैं, अंडे आते रहते हैं। सिमिलरली कंपनी अंडे भी देती है और कंपनी के शेयर आप बेच भी सकते हैं। जब तक कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, आपके पास पैसे थे, आपने PTCL कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो जब तक ये शेयर्स आपके पास रहेंगे तब तक आपको हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट बांटेगी। तो वो जो प्रॉफिट बांटेगी कंपनी के शेयर्स का मतलब ये होता है कि आप PTCL के थोड़े बहुत शेयर खरीद लिए, PTCL में हिस्सेदार बन गए, पार्टनर समझ लें बन गए, असल में तो ये कंपनी होती है, आप शेयर होल्डर बनते हैं उसमें। तो कंपनी में अगर आपने शेयर खरीद लिए तो कंपनी से आपको हर साल दूध की तरह क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, डिविडेंड इनकम। और अगर आप वो शेयर बेच ही दें फिर आपको डिविडेंड आना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी कंपनी के लाख रुपए के शेयर खरीदे और चार साल बाद उनको 1,20,000 का बेचा, तो ये 20,000 डिविडेंड इनकम है? नहीं, इसको हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कैपिटल गेन इनकम। इसको आने वाले दिनों में क्या पढ़ेंगे? तो कंपनी के शेयर आपने लाख रुपए के खरीदे और चार साल बाद भैंस को या शेयर्स को इस्तेमाल करके आपने बेच दिया, तो चार चौथे साल जो आपको फायदा आया, लाख रुपए की चीज 1,20,000 की बेची, डेट विल बी योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और जो चार साल तक आपको जो है वो आता रहेगा फायदा कंपनी से, उसे प्रॉफिट कहते हैं, उसे इनकम कहते हैं, डेट विल बी कॉल्ड एज डिविडेंड इनकम। अब दो बातें हैं, दोनों को अलग अलग समझ लें। जब तक कंपनी के शेयर्स आपके पास रहेंगे एक इनकम आएगी जिसका नाम होगा डिविडेंड इनकम, और जब कंपनी के शेयर्स आप बेच देंगे एक इनकम आएगी, वो होगा भैंस बेचने का फायदा, यानी लाख वाली भैंस 1,20,000 की बेच दी, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल कैपिटल गेन के चैप्टर को छोड़ दें, बस डिविडेंड याद रखें, हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट बांटती है, डेट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड के लिए जो टैक्स रेट है वो बड़ा अजीब सा है, ये इसकी थ्योरी हम कल पढ़ेंगे, आज न्यूमेरिकल करना है बस। अब डिविडेंड के लिए पेज 42 पे जो टैक्स रेट है डेट इज 15%। जनरल टैक्स रेट कितना है जी? 15%। यानी जो बंदा डिविडेंड कमाएगा वो कितने परसेंट पे टैक्स देगा? 15% पे। अच्छा मुझे ये बता दें, 15% अगर टैक्स लगेगा तो क्या टेबल 1 और 2 वाला टैक्स लगेगा डिविडेंड पे या 15% लगेगा? तो इसका मतलब है इस पे बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे टेबल 8 नहीं लगेंगे, बल्कि इस पे एक ही रेट लगेगा, डेट इज 15%। ओके, अगले सफे में न्यूमेरिकल है वो करते हैं, निकालें। अच्छा जी, बाबर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑटो पार्ट्स, फॉलोइंग इज द डिटेल शेयर्ड बाय हिम। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है इसकी? डिविडेंड इनकम 3 लाख। ज़कात कितनी पे की? तो बिजनेस से पैसे कमाए होंगे इनफ्लो, डिविडेंड के पैसे कमाए होंगे इनफ्लो, ज़कात के पैसे गए होंगे तो ये आउटफ्लो। उसकी इनकम निकालनी है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है, और टैक्स पेएबल निकालना है बाबर का। क्लियर हो गया? तो आप बता दें ये कितने किस्म की इनकम कमा रहे हैं, एक तो कोई कारोबार कर रहा है और दूसरा इसके अलावा एक और इनकम कमा रहा है, डेट इज कॉल्ड एज
डिविडेंड इनकम, खुदा के लिए नई किताबें ले लें। तो अब इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कमा रहे हैं और डिविडेंड इनकम भी कमा रहे हैं। डिविडेंड इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी या नहीं जाएगी, ये एक लंबी बहस है जो हम कल करेंगे। फिलहाल मैं इसे अदर सोर्स में लिख रहा हूँ, लेकिन ये अदर सोर्स ऐसी अदर सोर्स नहीं है जिसका रेट टेबल 102 वाला लगे। इसका आज हम एक नया रेट लगाएंगे, डेट इज 15%, और फिर कल बात करेंगे ये किस हेड में जानी है, ये अलग बात है। फिलहाल सिर्फ डिविडेंड इनकम आपने मुझे डलवानी है मेरे न्यूमेरिकल के अंदर। अच्छा जी, बंदे का नाम मिस्टर बाबर, सॉरी मिस्टर बाबर, मिस्टर बाबा। अच्छा, मिस्टर बाबर, दूसरी क्लास में कोई टीए बैठे हैं तो ब्लैक मार्कर ला दें। मिस्टर बाबर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, मिस्टर बाबर उनकी इनकम और उसके ऊपर निकलने वाला टैक्स, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। टैक्स ईयर सवाल में हमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए टैक्स ईयर हम 20XX लिख लेते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। एक इसकी इनकम कौन सी है जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितनी जी? 12 लाख रुपए आ गई इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहना है नहीं कहना, ये अलग बहस है, ये कल करेंगे जब आप बहस का मूड बना के आएंगे। कल तैयार होके आने हैं, पिछली बड़ी ईद के कपड़े पहन के आने हैं क्योंकि नया चैप्टर शुरू होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैं क्यों इसको करार दे रहा हूं, कल बात करेंगे। फिलहाल बता दें डिविडेंड कितना कमाया? 3 लाख। तो बिजनेस से कितना कमाया? 12 लाख। डिविडेंड कितना कमाया? 3 लाख। अब मुझे बता दें इसकी टोटल इनकम कितनी आ गई? 15 लाख इसकी टोटल इनकम आ गई। अब आप मुझे बता दें कि मैं 3 लाख को इसमें पड़ा, एक मिनट सब्र करें, 3 लाख को इसमें पड़ा रहने दूं या 3 लाख को इसमें से बाहर निकाल दूं? अगर 3 लाख को इसमें पड़ा रहने दिया तो फिर 3 लाख पे भी टेबल 1 और 2 लग जाएगा। मैं चाहता हूं 3 लाख पे टेबल 1 और 2 लगाऊं, या 3 लाख के ऊपर जो है वो मैं अलग से रेट लगाऊं। तो अगर मैं 3 लाख के ऊपर अलग से रेट लगाना चाहता हूं तो ऐसी सूरत में मुझे पड़े हुए 3 लाख को निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने 3 लाख को डाला था इस कैलकुलेशन में, अब मैं 3 लाख निकालने लगा हूं। लेस डिविडेंड इनकम। निकालने की वजह पिछली दफा एग्रीकल्चर इनकम थी कि उस पर टैक्स हमने देना ही नहीं था, पहले डाला था हमने फिर उसे निकाला था। लेकिन इधर डाल के निकालने की वजह यह है कि डिविडेंड इनकम पे हमने टैक्स देना तो है लेकिन उन रेट्स पर नहीं देना। तो आज जाके खोती बोर्ड, सॉरी, we are doing professional qualification, so we are back to 12 lakh. आज आके वहीं 12 लाख पे जाके खड़े हो गए, आज आके वहीं 12 लाख पे खड़े हो गए जाके। तो ये 12 लाख असल में कौन सी इनकम बची? अब इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो 3 लाख ने पूछा मुझे क्यों निकाला, तो आप क्या बताएंगे इसे क्यों निकाला? क्योंकि इस पे अलग रेट लगना है, इस पे अलग रेट लगना है। अब एक और चीज माइनस करनी होती है, किसी को याद हो वो क्या माइनस करनी होती है? जकात माइनस करनी होती है। जकात सबसे एंड पे आपने माइनस करनी है, जकात माइनस करनी है। पहले डिविडेंड को निकालें, वो गलती से डाल दिया था टोटल इनकम दिखाने के लिए कि मैंने टोटल कमाया कितना। तो अब जकात माइनस करें, जकात कितनी है जी? 50,000। जकात इज, दिखाओ इधर, जकात इज 50,000. अब ये मेरी आ गई टैक्सेबल इनकम, कितनी जी? 1,150,000. अभी आपने नोट नहीं करना। अच्छा यार, ये जो दरमियान वाली फिगर है ना, इसका असल में ना आई कैप कभी इसका नाम रख देते, कभी नहीं रखता, ना भी रखें तो कोई मसला नहीं। अगर आप अपने समझने के लिए लिखना चाह रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ आज नाम, इसको भी टोटल इनकम ही कहते हैं, लेकिन ये ऐसी टोटल इनकम है जिसमें डिविडेंड अब नहीं पड़ा हुआ। पिछले वाली टोटल इनकम वो थी जिसमें डिविडेंड पड़ा हुआ था और इसमें डिविडेंड, अब ये ऐसी टोटल इनकम है कि इस काबिल होगी इसमें से क्या माइनस कर सकें? ज़कात माइनस कर सकें। तो अपने समझने के लिए अगर आप घर में अकेले में बैठ के ये दो लफ्ज़ बोल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। इसका नाम आप रख दें टोटल इनकम और इसका रख दें टोटल इनकम। ट्राई करें ज़रा, टोटल इनकम और
टोटल इनकम, बोलते रहे टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम कौन सी होगी जिसमें सब पड़ा होगा, और टोटल इनकम कौन सी होगी जिसमें से सब निकल चुका, सॉरी जिसमें से सब अजीब अजीब चीजें निकल चुकी होंगी, क्योंकि इन पे कौन सा रेट लगना है, अलग रेट लगना है। अब नोट कर लें, फिर हम टैक्स निकालते हैं। सफा निकालें, रजिस्टर पे नया सफे पे हाथ फेरें और शुरू करें नोट करना। पूछो पूछो पूछो, अगर क्या हुआ है एग्जेम्प्ट इनकम जैसे एग्रीकल्चर है, जब आएगी ना बड़े न्यूमेरिकल में तो मैं बताऊंगा आपको, अभी आनी है, अभी तो गेम शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है। ओके, तो बिजनेस इनकम कितनी है जी, 12 लाख, डिविडेंड इनकम 3 लाख, ये कौन सी आ गई टोटल इनकम। इसमें से आपने डिविडेंड को कहा निकल उतरो बाय, सवारी उतारो उतारो, जाओ जाओ इधर से, अब 3 लाख साइड पे खड़ा हो गई, जाओ इधर से मासूमाना शक्ल बनाकर निकल जाओ इधर से। अब पीछे वही इनकम फ्रॉम बिजनेस बच गई 12 लाख, इसमें से ज़कात माइनस की क्या आ गई टैक्सेबल इनकम। अब भाईजान इस मौके के ऊपर पेपर के अंदर आपने बैठ के एक वो काम करना है जो काम आपने एग्जामिनर को शो नहीं करना, और वो बस आपने चुप करके कर देना है और एग्जामिनर को शो नहीं करना, वो है आपने टैक्सेबल इनकम पे कितना लगाने हैं 75%। बताएं जी क्या जवाब आ रहा है, ताकि टेबल बने, 1 है या 2 है, और खैर टैक्सेबल इनकम का 75% बताएं कितना आ रहा है, 8625500। और इधर मैं लिखने लगा हूं छोटा सा करके, हाइब्रिड वालों को नजर नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी जीरो, छोटा सा करके लिखने लगा इनकम फ्रॉम सैलरी जीरो। जब इनकम फ्रॉम सैलरी जीरो लिख दिया तो इनकम फ्रॉम सैलरी कम है, इनकम फ्रॉम सैलरी कम है, तो फिर अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है ही नहीं तो मैंने कहा था ऐसी सूरत में तो हमेशा टेबल 1 लगेगा, इसलिए हजरात टेबल 1 लगा दें, टैक्स कैलकुलेट करें टेबल 1 में जाके, हर गाय टेबल 1 में आए, लें ब्लैक मार्कर, भाई फरमा रहे हैं 10,000, मुझे चेक कर लेने दे भाई सही फरमा रहे हैं या गलत फरमा रहे हैं, बिल्कुल भाई ने सही फरमाया है। सीरियल नंबर कौन सा लगेगा 3, ओ वे द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। अच्छा वो ये ब्लैक मार्केट ही था, ये तो उधर पड़ा हुआ था। अच्छा 10,000 जमा 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपया, टेबल 1 10,000 जमा 10% ऑफ ये अमाउंट 6 लाख से कितनी ज्यादा है, नए खातों से कैलकुलेटर पकड़े जरा 1150000, इसको तो मिटा दें आप, ये तो किसी काम का नहीं है, 1150000 6 लाख का डिफरेंस 5.5 लाख, तो 5.5 लाख 5.5 लाख, जवाब बता दें क्या आया 65,000। ये मुझे बताएं आपने बिजनेस इनकम पे टैक्स निकाला है या डिविडेंड पे भी 15 भी लगा दिया है, अभी बताएं किसको निकाला था जो मासूम बन के खड़ा हुआ है, 3 लाख को डाला था फिर निकाल दिया था, 3 लाख मासूम बन के खड़ा हुआ है, भाईजान मेरे पे भी टैक्स बनता है, तो अब हम किस पे टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन डिविडेंड को कल मैं बताऊंगा फाइनल टैक्स रिजीम क्यों कहते हैं। अच्छा अब हम किस पे टैक्स निकालेंगे, डिविडेंड पे, फिलहाल सिर्फ लॉजिकल बात करें कि 3 लाख के ऊपर जो है वो 15% टैक्स देने, टेबल 1-2 वाले रेट नहीं लगाने। तो अब
किसको निकाला हुआ है 3 लाख को, उसे बुलाएं, उस पर बुला के कितने परसेंट लगाएं? 15%। क्या जवाब आ गया? 14 टोटल 1,10,000। यहां तक नोट कर लें, सॉल्यूशन में 2 लाइनें इसके बाद और भी हैं, वो कल समझानी है इसलिए वो मैं नोट नहीं कर रहा। जी डिविडेंड में से ज़कात माइनस नहीं होती, ये भी हम कल ही पढ़ेंगे क्यों डिविडेंड में से ज़कात माइनस नहीं करेंगे, ज़कात आप इस बिजनेस वाले में से माइनस कर देंगे, बस फॉर्मेट पे भी फोकस करो। तो क्या मतलब, मैंने ये तो नहीं कहा कि अब हमारा पढ़ना ख़त्म, मैंने कहा वो 2 लाइनें कल पढ़ेंगे। अच्छा अब इधर देख लें मोहतरम, कल की क्लास में इसको ज़रा हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे, पहले ज़रा इसके सॉल्यूशन पे नज़र मार लें, करो कैमरा उधर, पहले देख लेने दो इनको, चलो ले आओ वापस, इधर देखें 12 लाख 3 लाख 15 लाख फिर 3 लाख माइनस किया फिर 12 लाख पे पहुंच गए आ जाके, और फिर 50,000 माइनस किया फिर टैक्सेबल इनकम आ गई, फिर इस पे टैक्स निकाला और फिर जिसे निकाला था उस पे टैक्स, टोटल टैक्स कितना आ गया 110। इस पे कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी, ओवर।